बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला किया है। दिल्ली सरकार को बताया है पाप सरकार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बच्चों के टॉयलेट को क्लासरूम बताया गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर शिक्षा घोटाला करने का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पहले क्लासरूम्स को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि टॉयलेट्स को भी क्लासरूम बताया गया है। जिस शिक्षा मॉडल का दावा आम आदमी पार्टी करती है वो खोखला है, ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। शराब नीति के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल के शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पाप सरकार बताया है। अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, एक रुपए का घोटाला भी हो। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है, उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सतेंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। एक और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोपों से इनकार कर रही है। स्वराज की और ईमानदारी की बात करते करते आपने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आगोश में स्कूल विद्यालय भी नहीं बच पाए और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण कमरों में बनाए जा रहे जो निर्माण किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है। जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूं कि जितनी ये बकवास कर रहे हैं सब झूठ है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं। दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं। आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल नौटंकी करते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है। कि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि ये घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निकल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी सीएम के घर के रेड पे तो कुछ मिला नहीं। हफ्ते भर भी बाद वो बता नहीं रहे हैं कितने पैसे मिले, कितनी बेनामी संपत्ति के कागज मिले, कितने सोने के बिस्किट मिले। अब उनकी साजिश हो गई है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, वहां के काम को बंद कर दिया जाए, इसलिए अब नए नए मनगणत आरोप लगा रहे हैं। मैं गौरव भाटिया जी को कहना चाहूंगी, हमने से 4,000 कमरे नहीं बनवाए, हमने 20,000 कमरे बनवाए हैं।
हमारे क्लासरूम में जितने बच्चे पढ़ते हैं हमने उनसे ज्यादा का इंतजाम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी गरीब परिवार का, मिडिल क्लास परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी सरकारी स्कूल में आना चाहे उसका प्रावधान हो। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।